बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम जा रहे हैं शारजा रोला बर्ड्स मार्केट में। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि जो पहले कैटल मार्केट थी रोला में, उसी को इन्होंने दो या तीन साल से कन्वर्ट कर दिया है बर्ड्स मार्केट में। और अब आपको रोला में आसानी से कोई सा भी जो बर्ड आप चाहते हो मिल सकता है। और यहाँ पर इन्होंने उनके लिए केज और दाना और जो भी बर्ड्स से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी उन्होंने फुल मार्केट रेडी कर दी है। एक साइड से बर्ड्स मिलते हैं और दूसरी साइड से उनका सारा सामान इजीली मिल सकता है। और इस बार बच्चों ने अपनी ईदी से टॉयज़ नहीं लिए थे, तो उनका प्लान था कि हम बर्ड्स लेंगे, तो बस उन्होंने बर्ड्स लिए हुए थे। और उनमें से एक बजी था, काफ़ी छोटा इंग्लिश बजी था। तो ये देखें उसकी पिक्चर भी, उन्होंने उसको नेकलेस बनाया हुआ है और बहुत प्यारा था, क्यूट था। उसको काफ़ी टेम कर लिया हुआ था। और एक दिन बस हम किसी काम के लिए बाहर निकले हैं, तो जब वापस आए तो बेचारा डेड हुआ हुआ था। और बस उसी तरह का एक बर्ड बाय करने आए हैं। और ये इंग्लिश बजी था और बेबी बजी था और बच्चों ने इसको टेम किया हुआ था। और ऊपर से समर वेकेशन थी, कहीं आना जाना नहीं, बस उसके साथ ही बच्चे लगे होते थे। और फिर बेचारा वो भी डेड हो गया। तो बस ट्राई करते हैं कि उस तरह का इनको कोई और मिल जाए सेम कलर में। जो बाहर वाली साइड पे पार्किंग है वो सारी पेड पार्किंग है, और जो इनसाइड पार्किंग है वो फ्री है। तो ट्राई करें कि आप जो इनसाइड पार्किंग है उधर ही पार्क करें, और टेंशन फ्री हो के आप अपने बर्ड को देख सकें और उसको बाय करें। और ये जो हमदान के हाथ पे बैठे हुए हैं कोकोटेल, ये पाकिस्तान से थे। और वो बता रहा था कि जो पाकिस्तानी कोकोटेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और जो दूसरे हैं वो वाइल्ड हैं। और ये थी एक कैट, और ये पता नहीं आसिटी थी या चीखटी थी, बहुत प्यारा सा पोज था, तो मैंने इसे पिक्चर ले ली। और यहाँ से आपको फ़िश भी मिल सकती हैं उसके छोटे से एक्वेरियम। एनिमल्स भी थे जैसे कि कैट थे, डॉग थे, और दूसरे एक दो और बाकी सारे बर्ड्स थे इनके पास। और ये वाली वो शॉप है जहाँ से हम मोस्टली बर्ड्स बाय करते हैं और काफ़ी अच्छे रेट्स पे देते हैं। और ये था लॉरी, और इसका पेयर था 1800 का। और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं कोकोटेल, और ये बैठा हुआ था अमेज़ॉन पैरट, और इसमें लव बर्ड भी थे। ये भी लॉरी है, ये काफ़ी एक्टिव था। और यहाँ पर हमने ले लिया था एक ब्लू बजी और एक वाइट बजी था इसमें। और हमदान के पास थे ये थे कोकोटेल।
एक ग्रे था उसमें और एक था येलो। और ये हम लेके आ गए थे उसको घर, और इसमें डाल दिया था ये वाइट वाला, और एक हमने बाय किया था ब्लू। और ये जो येलो है इसका नाम बच्चों ने रखा है स्टेला, और जो डार्क ग्रे है उसको वो बोलते हैं स्किपी। और जो स्किपी है वो काफ़ी बाइट लेता है, उसके पास भी केज के कोई हाथ रखता है तो वो बस बोलता है कि मैं इसकी बाइट ले लूँ। और रमदान को एक से दो दफ़ा वो बाइट ले भी चुका है। और जो इनकी आवाज़ है वो बहुत प्यारी है, बहुत प्यारा बोलते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर इनको तकरीबन एक हफ़्ता हो चुका था और ये रमदान के अच्छे से फ्रेंड बन गए हैं। और ये जो स्टेला है वो इशल के हाथ से खा रही है और बहुत खाती है ये, और ये रमदान इसको खिलाना चाह रहा है। और जब कभी मूड में होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो ये फिर बोलते हैं इफ़ यू हैप्पी एंड यू नो, वो पोइम है ना बच्चों वाली, तो ये पूरी सुनाते हैं फिर, बहुत प्यारा बोलते हैं माशाल्लाह से। क्योंकि जब हम इनको लेके आए हैं तकरीबन 4 से 5 दिन तो बिल्कुल ही क्वाइट ही रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, और बस बाइट लेने की कोशिश करता था ब्लैक वाला जो स्किपी है, और कुछ नहीं बोलते थे। तो बस एक दिन हम इसको टेम करा रहे थे सब, और कुकी कुकी बोल रहे थे, और ये लोग तो कुछ नहीं बोले, और जो बजीज थे उनमें से कोई बोल रहा था कुकी कुकी और ये लोग नहीं बोले। फिर उसके बाद इन्होंने बोलना स्टार्ट किया और काफ़ी अच्छा बोलते हैं। और ये इंडियन रिंग नेक पैरट थे, और जो इनकी नेक पे रेड सी रिंग बनती है वो अभी नहीं बनी थी, ये अभी 6 मंथ के थे। और जो इनका साउंड था वो इतना कोई अच्छा नहीं था। और ये एप्पल खा रहे हैं, और पिनट तो ये इस तरह आराम से तोड़ के खा लेते हैं। अभी शायद उसकी वीडियो हो तो मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। पिनट तो बहुत मज़े से इजीली तोड़ के खा लेते हैं ये। Me too. Skippy, do you know what's happening? Today you are going in somebody's house. Lodi? जो बजीज हैं ये धनिया बहुत शौक से खाते हैं, इनको धनिया अगर जब भी डालो आप तो बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बस इधर उधर घूमते रहते हैं फिर आवाज़ निकालते हैं। और ये इसकी पी है, बस इसकी कोशिश है कि कोई अपना हाथ ना करे तो मैं इसकी बाइट लूँ। और ये पानी में डिप करके धनिया खा रहा था येलो, ऐसे बोलते हैं येलो डर्टी फैलो, क्योंकि जब देखता है कोई नहीं होता तो छोटे जो उसमें बेबी बजेज होते हैं उनको मारता भी है और बोलता भी है, बहुत प्यारी आवाज़ है इसकी भी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।